गौसबख्श मेहर साहब, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो वहाँ पे एक आइनी बहरान है। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आप पहले इमरान खान साहब के अथाती थे लेकिन आप लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब अगर इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए कौमी असम्बली में एक अपोजिशन लीडर की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं है तो ये वहाँ पर भी एक बहरान है, तो ये बहरान कैसे हल होगा? मीर साहब, हम बहरानों की पैदाइश है, हम बहरानों को ज़्यादा खुद ही बनाते हैं और बहरानों से ही चलते हैं। आइन की पासदारी भी हम इसीलिए पासदारी बाद में करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम बहरान जो है उसको खुद बनाते हैं। हम पहले अपनी ज़ात को आगे करते हैं, फिर बाद में बहरान आइन को ले आते हैं, फिर हम लीडरशिप के राय पर बहरान को चलाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो इतना जमहूरियत करके अक्सरियती पार्टी है, लोगों को ऐसे गुम करना, ऐसे भगाना, ऐसे खरीदना नहीं चाहिए था। अब कोई नहीं मानता है कि नहीं खरीदे गए, नहीं गए, किसको पता नहीं है। हर आदमी को पता है कि इन आइन की खिलाफ वर्जी अपोजिशन ने करके लोगों को जाके सिंध हाउस में होटलों में बंद किया, इलेक्शन दिन नहीं ले आए, वो गैर हाजिर रहे, उनकी 60A के तहत वो नहीं वोट दे सकते, उनकी मेंबरशिप फंडे नहीं है क्लियर। तो बाकी जो अपोजिशन बचे उनको इनको डिक्लेयर करना चाहिए अपोजिशन। हम और क्यूडी इकट्ठे हैं, हम 6 मेंबर हैं, हम में से अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाना चाहता है और जाता है। वो कॉन्ट्रोवर्शियल है तो किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी को नहीं रहना चाहिए और उसको कॉन्ट्रोवर्सी ये मुल्क को ख़राब करती है और कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से हमारे सारे मुल्क का बहरान जो होता है वो सही होता है इस मुल्क में। अच्छा, हर वक्त हमने ये किया है, कभी कोर्टों पर डिपेंड किया, कभी किस किया। आप जस्टिस मुनीर से लेके देखें, उसके बाद देख रहे हैं हमारी कोर्टों ने तो मुशरफ को लीगलाइज किया था और आइन की तरमी के लिए भी अख्तियार दिए थे। अच्छा, तो ये कोई नहीं हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली में काफ लीग और GDA इकट्ठी है तो तहरीके इंसाफ ने तो हुसैन इलाही साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। हुसैन इलाही ने मुझे सपोर्ट कर रहा है और हमारी अपनी नून लीग भी, सॉरी हमारी GDA और काफ लीग दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि काफ लीग और GDA ने फैसला किया है कि आप कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर होंगे? जी, ये तय हो गया दोनों में। तो उनको, जी हाँ, तो इसीलिए इनको डिक्लेयर करना चाहिए। और कोई भी हल ऐसा नहीं है, कोई भी मसाले से नहीं हल ना कर सके। हम खुद मसाइल में फंसाते हैं। पंजाब में आपको एकदम पंजाब आपको इलेक्शन करवानी चाहिए, जब इलेक्शन नहीं हुई है, गवर्नर ने इलेक्शन आइन गवर्नर एक्सेप्ट करता है रिजर्वेशन, वो नहीं हुई है तो फिर से इलेक्शन करवानी क्यों बुरहान को दे रहे, क्यों बुरहान को आगे करें? गवर्नमेंट या अपोजिशन, एकदम इलेक्शन होनी चाहिए इधर, उधर भी लीडर अपोजिशन मुकर्रर करके हल को करना चाहिए। हालांकि ये बुरहान बिहार का पैदा किया गया कि PTI के लोग तोड़े गए, होटलों में जाके ठहराया, उनके लिए पता नहीं क्या क्या चार्जेज हैं। जमहूरियत की खूबी है कि आप जमहूरियत में लीडरशिप और गवर्नमेंट चेंज करें, लेकिन ये तरीका नहीं है जो हमारे मुल्क में हुआ है, कहीं दुनिया में ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है।